इतना अच्छा टूर्नामेंट यहाँ बलरामपुर जैसे शहर में आयोजित कराया। इसके सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जमील मेहताब साहब का भी दिली मुबारकबाद मैं उनको पेश करता हूँ कि उनकी मेहनत और उनकी पूरी टीम जो उनके कमेटी के सदस्य हैं वो शहर के सब सम्मानित और गणमान्य नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं और ऐसे लोगों के नेतृत्व में मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि यदि नेतृत्व आगे भी चलता रहे और इससे बड़ा कार्यक्रम होता रहे तो मैं इस कमेटी को धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पे उपस्थित जो हमारे बच्चों ने, हमारी बच्चियों ने जो इस खेल के मैदान को सजाया संवारा और जो अतिथि आते रहे उनके सेवा सत्कार में लगी रही, ग्राउंड को संवारने में लगा रही, मैं उन बच्चियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पत्रकार बंधु हैं मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय देकर इसको कवरेज करके इसको लोगों तक पहुँचाने का काम किया। और यहाँ पे जो हमारे खिलाड़ी जो बाहर से आए हुए हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बलरामपुर में आकर अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर उनको जो पब्लिक जनता के बीच में मिला और उन्होंने बहुत अच्छा जो इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। और यकीनन किसी भी टूर्नामेंट का, किसी भी गेम का खिलाड़ियों को चाहत सिर्फ इनाम और अफराम की नहीं होती है, उनका बेहतरीन इनाम दर्शकों की तालियां होती है जो उनको बराबर मिलती रहती है, उससे उनका उत्साह वर्धन होता है और अच्छा गेम वो पेश करते हैं और दर्शक एंजॉय लेते हैं। तो मैं इस टूर्नामेंट के सभी पदाधिकारियों का बहुत तहे से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सभी इस टूर्नामेंट के सारे बच्चे जो पूरे टाइम सुबह से शाम तक लगे रहे, सारी बच्चियाँ और सारे कर्मचारी और अंपायर और सब पूरे लगन से और इस टूर्नामेंट को इस हाइट तक पहुँचाने में दिनों रात एक कर दिया, तो उन सब का भी शुक्रगुजार हूँ। और खास बात जो आज इस टूर्नामेंट में जिन्होंने ये फाइनल जीता है यकीनन वो मुबारकबाद के मुस्तैक मुबारकबाद दे रहे हैं और लोग लखनऊ के हिसाब से बाहर से।